ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में मिले विवादित ढांचे की कार्बन डेटिंग या किसी दूसरी वैज्ञानिक जांच को लेकर आज जिला कोर्ट का अहम फैसला आएगा। 11 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था। हिंदू पक्ष इस ढांचे को शिवलिंग जबकि मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर से जुड़े मामले में जिस ढांचे को एक पक्ष शिवलिंग और दूसरा पक्ष फव्वारा बता रहा है, उसकी हकीकत क्या किसी जांच के जरिए सामने आ सकती है, इस पर आज फैसला आ जाएगा। वाराणसी कोर्ट ने 3 दिन पहले इस मामले में फैसला रिजर्व रखा था। हिंदू पक्ष की तरफ से वजूखाने के भीतर मिले ढांचे को शिवलिंग बताते हुए मांग की गई थी कि इसकी कार्बन डेटिंग और दूसरी जांच करा ली जाए, जिससे हकीकत साफ हो जाएगी। ये याचिका 4 हिंदूवादी महिलाओं ने दायर की थी। पहले हिंदू पक्ष की बात सुन लीजिए, जो कह रहा है कि जांच से सब साफ हो जाएगा। देखिए, मुस्लिम पक्ष की आपत्ति कहीं से कहीं बेस नहीं बनाती है। जो आपत्ति राखी सिंह की तरफ से की गई थी, उसको कोर्ट ने लास्ट डेट पे कंसीडर किया था और उस बात पर आवादनी संख्या 2 से 5 ने भी अपना कंसेंट दे दिया है कि कोई भी ऐसी जांच नहीं हुई जिससे नुकसान हो और किसी भी तरह की कार्बन डेटिंग पत्थर की हो भी नहीं सकती है। बियॉन्ड द टेक्निक है, बियॉन्ड द प्रोसीजर है। इस चीज को राखी सिंह के अतिरिक्त जो आदमी है वो भी एडमिट कर चुके हैं। हमने हमारी तरफ से भी क्लेरिफिकेशन दे दिया गया कि जो क्लेरिफिकेशन और कंसेंट वादी संख्या 2 से 5 ने 7 अक्टूबर को कोर्ट में रख दिया है, उसके बाद किसी भी तरह का विरोध हमारी तरफ से बाकी नहीं रह गया है। कोई भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यदि की जाती है, बियॉन्ड द पैरामीटर नहीं जाती है, हम उसका सपोर्ट करते हैं, उसको कराया जाए। वजूखाने के भीतर ये ढांचा कोर्ट कमिश्नर की जांच और वीडियोग्राफी के दौरान मिला था। हिंदू पक्ष जोर देकर वैज्ञानिक जांच की मांग कर रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष पुरजोर तरीके से ये कह रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने वहां यथाशक्ति बनाए रखने को कहा है और वजूखाने वाली जगह को ही संरक्षित कर दिया है, तो फिर ऐसी कोई जांच कैसे हो सकती है। पहली बात तो ये कि कार्बन डेटिंग जो है तो जीव जानवर ऐसे चीज की होती है जिसको कार्बन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है और पत्थर में ये कैपेसिटी नहीं होती है। दूसरी बात ये कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया 17 मई 2022 को, जिससे जो रिपोर्ट में या जो कमीशन के दौरान आकृति पाई गई उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डीएम को ऑर्डर किया। उस डीएम के उस ऑर्डर के जरिए वो प्रोटेक्शन में है। जो डीएम साहब का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर प्रिवेल करेगा कि इनकी एप्लीकेशन प्रिवेंट करेगी, इसलिए उसको खोला नहीं जा सकता। अब सबकी निगाहें इस बात पर होगी कि कोर्ट कार्बन डेटिंग जैसे किसी जांच का आदेश जारी करता है या फिर मूल केस में फैसला आने तक ये मामला लंबित रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। कार्बन डेटिंग वो तकनीक है जिससे 50,000 साल पुरानी किसी चीज की उम्र का पता चल जाता है, लेकिन ये तकनीक भी विवाद से परे नहीं है। खासतौर पर पत्थर की आकृति की उम्र पता करने में इस तकनीक के कारगर नहीं होने की बात कही जाती है। ऐसे में जानना जरूरी है कि ये है क्या और ये क्या काम कैसे करती है। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के भीतर वजूखाने में मिले इसी ढांचे पर अब सबकी निगाह है। पहले ही ये ढांचा श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन चुका है, लेकिन इस पर एक वैज्ञानिक जांच की मुहर लग गई तो ज्ञानव्यापी का पूरा मामला और भी दिलचस्प हो सकता है। इस ढांचे के कार्बन डेटिंग की मांग की जा रही है। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई पूरी कर ली और आज फैसला आना है। अब ये भी जान लीजिए कि कार्बन डेटिंग क्या होती है। इसका इस्तेमाल पुरातात्विक वस्तुओं की उम्र पता करने में होता है। 1949 में विलियर्ड फ्रैंक लिबी ने इसका आविष्कार किया। जिस चीज में कार्बन के अवशेष हो उसकी उम्र पता की जा सकती है। कार्बन के 3 आइसोटोप कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 होते हैं। कार्बन डेटिंग में कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच का अनुपात निकाला जाता है। जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब वातावरण से कार्बन का आदान प्रदान बंद हो जाता है, तब कार्बन 12 से कार्बन 14 का अनुपात बदलता है। इसी का अंदाजा लगाकर अवशेष की उम्र पता की जाती है। अब कार्बन डेटिंग पर दोनों पक्षों की राय सुन लीजिए। हम लोगों की मांग जो थी वो वैज्ञानिक जांच के संदर्भ में था कि वैज्ञानिक विधि से कोई जांच करवा लिया जाए, बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए, बिना छुए, बिना किसी तरह का जो आस्था को चोटिल किए हुए एक ऐसी जांच वैज्ञानिक विधि से जांच करा लिया जाए, ताकि जो शिवलिंग और फव्वारे के बीच का जो भ्रम देश में फैला हुआ है कि फव्वारा है, कुछ लोगों का कहना है कि
शिवलिंग है, तो ये जो भ्रम है ये भ्रम दूर हो जाए। कार्बन डेटिंग जो है, जिस चीज की आप मांग रहे हैं उसकी कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो कार्बन एब्जॉर्ब नहीं करता। दूसरी बात, जिस तथाकथित शिवलिंग की आप कार्बन डेटिंग करने को कह रहे हैं, वो मैटर इन डिस्प्यूट नहीं है, मैटर इन इशू नहीं है। तो वो चीज़ जो कि मैटर इन डिस्प्यूट नहीं हो, जिसका डिस्प्यूट ही मुकदमे में ना हो, और उसकी कार्बन डेटिंग कराया जाए, उसकी जांच कराई जाए, तो ये तो कानूनन सही नहीं है। वजू खाने में मिली आकृति की कार्बन डेटिंग पर भी विवाद है। इस तकनीक में 50,000 साल पुराने अवशेष का ही पता लगाया जा सकता है, जबकि जीवाश्म को पत्थर बनने में लाखों साल लगते हैं। कार्बन डेटिंग के लिए किसी भी चीज में कार्बन 14 जरूरी है, पर पत्थर में कार्बन तत्व नहीं होते। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि कोर्ट का क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।